नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बी एस उपाध्याय वेजबल फिट कंप्यूटर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई टॉपिक लेके पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आप डेली कंप्यूटर ऑपरेट करते समय यूज़ करते हैं। तो जानेंगे अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, पिछले टॉपिक चल रही है ADCA एंड DCA ट्रिपल सी एंड PCC कोर्स से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। इसमें फर्स्ट सिलेबस अभी आपको स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है फंडामेंटल यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया गया है। अब इस सारे जितने भी सीरीज आपको पढ़ाए गए हैं, ये सारे सीरीज आपको ध्यान से लिखिएगा। ये सारे सीरीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर रिपेयर सेक्शन में भी आपको बताए जाएंगे कि कंप्यूटर को रिपेयरिंग करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने कंप्यूटर को खुद से रिपेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनपुट कंपोनेंट्स का सेकेंड टॉपिक है, जिसका नाम है माउस। माउस क्या होता है? सिंपल माउस तो इट इज क्या है, माउस क्या है? इट इज इनपुट डिवाइसेस टू गिवन द इंस्ट्रक्शन बाय द कंप्यूटर वे यूज फॉर द ग्राफिकल वर्क। यानी माउस एक इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो इसका यूज हम क्या करते हैं, माउस का यूज खासकर होता है कि जो माउस इस्तेमाल किया जाता है, पहले जो माउस का इस्तेमाल करते थे हम लोग, एक ग्राफिकल पर्पस इस्तेमाल करते थे। ग्राफिकल का मतलब होता है किसी भी प्रकार की ग्राफिक, जैसे पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या किसी प्रकार का डिजाइनिंग हो, उस पर्पज से माउस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लगभग आप देखा जाए 99% लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, वो सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, किसी चीज़ को हमें यूज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, माउस का। तो माउस जानेंगे क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदेमंद है, माउस किसने बनाया था, कब बनाया था और ये माउस कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग नए टॉपिक जिसका नाम है माउस। तो माउस क्या है? माउस हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, यानी एक कीबोर्ड की तरह होता है, लेकिन कीबोर्ड से आप डेटा का इंस्ट्रक्शन देते हैं, माउस से आप केवल ग्राफिकल का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी किसी भी चीज ग्राफिकल चीज को कंट्रोल करने के लिए, ग्राफिक ड्रॉ करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है। तो माउस में आपने देखा होगा कि इसमें माउस का डेवलपमेंट जो हुआ था, लॉन्चिंग ईयर है 1968 में, माउस जैसे डिवाइस को तैयार किया गया था जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते थे, जिसके द्वारा कंप्यूटर को ग्राफिकल इंस्ट्रक्शन भी हम दे सकते थे। इसके जो इन्वेंशन किया था, इसका नाम था फादर ऑफ माउस, इसको बोलते थे डग एलिजाबेथ, जिसने माउस का आविष्कार किया था 1968 में, माउस को बनाया गया था। इसमें जो मैंने करीब आज से 25-30 साल पहले माउस ऑपरेट किया था, उस समय का पहले का माउस ऐसा था, एक बड़े आकार का माउस था जिसमें बड़े साइज का होता था, एक लेफ्ट बटन इधर, एक राइट बटन इधर, लेफ्ट बटन इधर, बड़े बीच में गोली लगी हुई थी, इसको बोलते हैं ट्रैकबॉल। ये एक वायर है, ये राइट बटन है, ये जो गोली गोली देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रैकबॉल। सिर्फ इसी तरह ये पहले बड़ा माउस होता था, क्योंकि पहले ग्राफिकल का इस्तेमाल होता नहीं था, सभी चीज ब्लैक एंड व्हाइट था, कंट्रोल करते थे, तो उस समय हम इस ट्रैक माउस का इस्तेमाल पहले करते थे। उनके बाद जब माउस में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, सेकंड जनरेशन का माउस ये आ गया जिसमें माउस को अच्छे से हम पकड़ सकें, उस पे हाथ पे अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो माउस को ऑपरेट करने का सबसे इजी तरीका होता है कि उसको कैसे पकड़ा जाता है, जितना हल्के तरीके से पकड़ते हैं वैसे माउस का कंट्रोल है। जिसमें जब ये सेकंड माउस आया तो चीज हुई, ट्रैक बॉल था, इसको हटाकर नीचे डाल दिया गया, लेकिन अंदर की तरफ चला गया, इसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। बाकी सारा कुछ, इसमें एक बटन है जिसका नाम स्क्रॉल, स्क्रॉल का मतलब था जो पेज को या माउस को पॉइंटर को ऊपर नीचे मूव कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पोजिशन, पहले ये माउस आया था, उसके बाद सेकंड ये आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड जो माउस आया था जिसमें नाम है इस ट्रैक बॉल को हटाकर उस पर चीफ लगा दिया गया। तो तीन तरह के माउस का इस्तेमाल किया गया था उस समय, जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी माउस की अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउस आते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपका मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, वायरलेस माउस है और ट्रैक माउस है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के आपके माउस होते हैं। जैसे ये मैंने आपको ये ट्रैक माउस जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, ये माउस आपके सामने यहाँ ध्यान से लिखेगा, ये माउस है। और अब तो यूएसबी भी माउस हो गया है, जिसमें छोटी सी ध्यान से देख लेना, तो ये एक छोटा सा लीवर होता है, ये एरो बना होता है और ये 5-6 इसमें 8 पिन पॉइंट होते हैं, जो ये माउस के जिसको बोलते हैं पोर्ट 1 पोर्ट 2, इसमें ऐसे लगाए जाते थे। तो जो अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लगभग इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है। ये बहुत ही कम्फर्टेबल होते थे, बहुत ही मतलब आप बहुत सावधानी से अगर नहीं लगाकर एक भी पिन टेढ़ा हो जाएगा तो खराब हो सकते थे। लेकिन आपके सामने जो माउस है, करीब 20-25 साल पुराना माउस है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ, ये लेफ्ट एंड राइट बटन, यहाँ पर लेफ्ट राइट बटन का बटन है, बीच में ये स्क्रॉलिंग बार है, ये स्क्रॉलिंग बार आपका है,
अब ये जो ट्रैक बॉल है, ये ट्रैक बॉल जो ऊपर की तरफ था वो अंदर की तरफ चला गया। ये देखिए ये ट्रैक बॉल है, एक ये रबर की गोली होती है, देखिए हम आपको खोल के दिखा रहे हैं कौन सी गोली इसमें लगी होती है। एंड ये देखिए आपके सामने देख रहे हैं ना, ये ट्रैकिंग बॉल है जो ऊपर के हिस्सा में यहाँ लगा था, अब ये नीचे के हिस्सा में लगा हुआ है ये ट्रैक बॉल। अब इसी से ये रबर की गोली होती है जो ट्रैक यानी जो स्पॉटिंग होती है उससे टच होने पर हमारा एरो पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है। इसी इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रैक माउस यानी ट्रैक बॉल है। इसी से हम पहले ऑपरेट करते थे और आज भी इस माउस को मैं अपने कंप्यूटर पर चलाता हूँ, इससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट होता है, जिसमें यूएसबी पोर्ट में बहुत बढ़िया है, 20 साल 30 साल माउस हो गया है, बहुत बेटर तरीके से इसको ऑपरेट हम करते हैं, लेकिन अभी कोई समस्या इसमें नहीं है। इनके बाद जो माउस है जिसका नाम है ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस यदि देखा जाए तो ये जैसे मैंने बताया ये ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस का मतलब वो जो ट्रैकिंग पावर था उसको हटाकर एक चीफ लगा दिया गया, एक लेजर लाइट लगा गया जो चलने पर एक लेजर लाइट की तरह साइन आती है, जो स्किन को जब स्किन से ये टच साइन ये लाइट टच होती है तो आपके पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी सेम कंडीशन लेफ्ट राइट में स्क्रोलिंग बार होता है, और इसका जो पॉइंट होता है ये यूएसबी पॉइंट होता है, यानी यूनिवर्सल सीरियल प्लस पॉइंट होता है जो लैपटॉप डेस्कटॉप या किसी जगह, लेकिन इन पर ये जो पुराने माउस होते थे इसमें लैपटॉप पे ले सकते थे, इस तरीके से माउस आप लैपटॉप पे लगाए जा सकते हैं, जिसको हम ये नॉर्मल कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लैपटॉप भी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस एक समस्या ये है कि ये सब ड्यूरेबल लाइफ नहीं होते, बहुत ज़्यादा समय पर ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल अभी यूज एंड थ्रो के बराबर होता है, ठीक है। फिलहाल ये माउस की हमारी कैटेगरी थी, क्वेश्चंस आपका ये टॉपिक था, आज हमारा माउस के बारे में था, माउस क्या था, कब आया था, किसने बनाया था, क्या क्या इस्तेमाल किया था, माउस कितने प्रकार के होते हैं क्या, ठीक है, उसमें ट्रैकिंग माउस था, नॉर्मल माउस क्या होता है, कितनी तरह के हमारे इस्तेमाल किया था। तो आज का इस वीडियो था केवल माउस के बारे में, अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगला जो इनपुट डिवाइस है उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उनका उसमें भी हमारे अगला जो टॉपिक हमारे साथ होगा जिसका नाम है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बारे में आपको बताएंगे कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल कैसे होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।